But we had discussed connective tissue. We had discussed in that connective tissue. We had discussed write down the name, that is the areolar connective tissue. Write down areolar connective tissue. Again, today I will show you the video also of areolar connective tissue, and the second we will discuss adipose connective tissue. Yesterday we started the connective tissue in which we just discussed the one part, that is the, please write down the name if anyone had not written, areolar connective tissue. Okay, diagram humne banaya tha, we have to make it in a square box. What are the characteristics? What are the characteristics? अपने आप सोचो, नो नीड टू सी द बॉक्सेस, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. दीस आर एरियोलर वे, एक पॉइंट आई टोल्ड यू टू लर्न इट प्रॉपर्ली, लूजली कनेक्टेड टिश्यू, लूजली कनेक्टेड टिश्यू, कनेक्टेड टिश्यू. ठीक है, दीस आर हैविंग द फाइबर्स. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज थिक फाइबर, थिक फाइबर एंड थिन फाइबर. Thin fiber, okay? Thick fiber and thin fibers. ठीक है, इसके बाद हमने और क्या करा था? आज मैं लेबलिंग साथ में करवा रही हूँ. This is the areolar, thick fibers. These are thin fibers. और क्या पॉइंट डिस्कस किया था हमने? These are thick fibers arises from, fibers arises from special type of cell called fibroblast or fibrocyte. कहाँ पे बना रहे हैं? इसके ऊपर. So that we will show it कि ये यहाँ से arise हो रहे. ठीक है, these are arises from here. So these are called then or another mast cells are present. What is the function of the mast cell? What are these are also called? Macrophages. Special another type of the cells are present, that is the macrophages. ठीक है, मैक्रोफेजेस हमने कौन से बनाए थे? अलग अलग आपने इकट्ठा लिखा है, मुझे कंफ्यूज ना करो. प्लीज आर macrophages. Function of this one? Boosting immunity by engulfing foreign particles or foreign material. So these are the immunity boosters. So write down the functions also. Please function की heading दे दो, साथ साथ ही इसके function भी लिख लो. Write down function heading and write down the function also. मैक्रोफेज हम लोग इकट्ठे लिख रहे हैं ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फंक्शंस. एरियोलर यस डियर जानवी, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम कल आपने ये कनेक्टिव टिश्यू के लिए सब पार्ट्स दिया, मैं वही बोल रही हूँ. सब पार्ट्स आर देयर, फाइव सब टाइप्स आर देयर ना. कनेक्टेड टिश्यू आर हैविंग द फाइव सब टाइप्स. कौन कौन सी करी थी? एरियोलर, एडिपोज, फ्लूइड, देन स्केलेटल एंड कनेक्टिव. तो उसमें हमारा तो सबसे पहला पार्ट है, दैट इज द एरियोलर. ठीक है, राइट डाउन द नेम ऑफ दिस वन. दिस इज द फर्स्ट सब पार्ट, दैट इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. राइट डाउन द फंक्शन, फंक्शन लिख लो, एरियोलर के हेडिंग बना लो, लोकेशन आप लिख चुके हो. राइट डाउन द फंक्शन, पहला लिख लो
इट हेल्प्स इन द इंक्रीज इम्यूनिटी या इट इज द इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है। वैसे ओवरऑल फंक्शन है ना, नो डाउट, सेपरेटली आई एम टेलिंग इट टू यू, बट व्हेन द एरियोलर कनेक्टेड टिश्यू का फंक्शन है तो उसमें सबका ही है ना, तो राइट डाउन, इट एक्ट एज अ इम्यूनिटी बूस्टर, एक्ट एज अ इम्यूनिटी बूस्टर या प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड एंगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स, प्रोवाइड इम्यूनिटी कर सकते हो, इम्यूनिटी बूस्टर एंड एंगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनिटी और कौन क्रिएट करता है, मास्क सेल ऑल्सो, राइट, दैट इज द यू कैन मेक लाइक दिस, ठीक है, दीज विल ऑल्सो प्रोवाइड या क्रिएटिंग इम्यूनिटी, दीज विल ऑल्सो क्रिएट इम्यूनिटी, इसके साथ भी लिख लीजिए, मास्क सेल के साथ ही ब्रैकेट में लिख लो क्रिएटिंग इम्यूनिटी, वो भी बता दो, क्रिएटिंग इम्यूनिटी, ठीक है। उसके बाद देयर इज प्रेजेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसको आप डबल लेयर कर दो, शो इट इन द फॉर्म ऑफ डबल लेयर, एंड ऑल दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द fluid, that is called matrix. So what is matrix? Fluid of a tissue. What is matrix? Fluid of a tissue. Matrix is a fluid of tissue. ये तो आपके साइड बाय साइड हो गए। अब जो इसके अलावा फंक्शन है, राइट डाउन दैट, पहला लिखिए, इट प्रोवाइड सीमेंटिंग लेयर, इट प्रोवाइड सीमेंटिंग लेयर, नहीं बच्चे ओवरऑल फंक्शन, प्रोवाइड सीमेंटिंग लेयर बिटवीन स्किन एंड मसल्स, मतलब ओवरऑल ऊपर वाले फंक्शन आप सारे वो लिखोगे, इम्यूनिटी बूस्टर एंड गल फॉरेन पार्टिकल्स वो आप सारे लिखोगे, उसके साथ राइट डाउन दिस वन, प्रोवाइड सीमेंटिंग लेयर बिटवीन स्किन एंड मसल, सेकंड लिखिए, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, थर्ड पॉइंट लिखिए, it fills the space between the organs, fills the space between organs and port internal organs, this is the alveolar connective tissue. Hanji Arshdeep, write down the location. It is present below skin, yeah, between the skin and the muscle. Or likh lo iske sath likhna to. Number 2 pe likh lo, around blood vessels. Around blood vessels. And nerves. Blood vessels and nerves. And in the bone marrow, that I will tell you later on. किसी की बच्चों ने बोला ना, दोबारा बता दो, what we had discussed, otherwise what you had written, that it is present below the skin, yeah, between the skin and muscle, that is okay. Another, if we want to write, that is given in your NCERT also, around the blood vessels, ठीक है, and nerves, that is given in the NCERT. मैंने इसका पढ़ा, ये foreign airport का वो क्रिएट करते हैं इम्यूनिटी, दे हेल्प टू क्रिएटिंग द इम्यूनिटी, तभी वहां क्रिएटिंग वर्ड लिखा है। अब नेक्स्ट सेकंड वाला कनेक्टिव टिश्यू वी आर हैविंग
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. सेकेंड वाला लिखो, सेकेंड टाइप, सेकेंड सब टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एडिपोज. ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी में फैट्स हैं, ठीक है. अब ये जो अगर स्किन मोटी है, दिस इज फैट, दीज आर फैट्स, दीज आर एडिपोज टिश्यू. तो ये कहाँ प्रेजेंट है? हाँ, कहाँ प्रेजेंट है? स्किन के नीचे. अगेन लोकेशन वही हो गई, बिलो द स्किन, ठीक है. एडिपोज है, आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? कुशंस लाइक एक हेल्प करते हैं. अगर हमारे हार्ट के आसपास एडिपोज टिश्यूज है तो व्हाट दे विल प्रोवाइड? कुशन, सो दैट द मैकेनिकल जब हम एकदम से, हाँ, इट विल हेल्प इन दैट केस, ठीक है. सिमिलरली अब नाउ राइट डाउन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. कल मैंने एक बार बोली थी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली पैक्ड. ऊपर अपनी कॉपीज के लिख लो, दो टिश्यूज होते हैं जो लूजली पैक्ड है. वन इज एरियोलर, सेकेंड इज एडिपोज. ऊपर लिख लो कॉपी के अबव, लिखते ना व्हाइट वाली जगह पे. हाँ, टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर लूजली पैक्ड. ऊपर बेटे आपकी नोटबुक पे ये मार्जिन पे एक हेडिंग देके मतलब पॉइंट लगा लो, स्टार लगा के, क्योंकि दो तरह से टिश्यूज हैं, दो टिश्यूज हैं, दोज आर लूजली पैक्ड. वन इज एरियोलर, सेकेंड इज एडिपोज, ठीक है. ओके, लिख लिया. एडिपोज का वर्ड लिखो जो मैं बोलने लगी. दीज सेल्स ऑफ, मतलब ये जो सेल्स है, पहले इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर लिख लो. द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर लाइक फैट ग्लोब्यूल्स, क्योंकि ये हमारे फैट्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है. राइट डाउन, हाँ, अभी स्ट्रक्चर नहीं बोली है, पहले बोल रही हूँ कि फाइबर्स आर, लिख लो भाई आप स्ट्रक्चर में लिख लो. फाइबर्स आर लूजली अरेंज, स्ट्रक्चर में लिख लो. फाइबर्स आर लूजली अरेंज फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स. Fibers are loosely packed, ठीक है. जो मैंने दूसरी लाइन बोली थी, बोली थी the cells of these tissues are filled with fat globules. The cells of these tissues are filled with fat globules. Right, fat globules. वो function है ना, ठीक है, ठीक है. ये जो fats के जो इनकी arrangement है ना, इनको बोलते हैं adipocytes, ठीक है. अब आगे लिखो location. Write down location where these are present. लिखो below the skin. हाँ जी, बिल्कुल. बिलो द स्किन फाउंड अराउंड द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के अंदर और बाहर दोनों तरफ हो सकते हैं, ठीक है. फाउंड अराउंड द ब्लड वेसल, आगे लिखो. It is found near around the heart also. मतलब आप ऐसे लिख लो कि found around those organs where fats are deposited. Bracket में लिख लो heart. Deposited. हम पहले वीडियो देखते हैं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द डायग्राम ऑफ दिस.
हेलो प्लीज स्टॉप टॉकिंग Two, connective tissue. Group of tissues in the body that maintains the form of the body and its organs and provides cohesion and internal support. The connective tissue includes several types of fibrous tissues that vary only in their density and cellularity, as well as more specialized and recognizable variants. Connective tissues can be divided into three types. It's not compulsory to learn this. Loose connective tissue. Two, dense connective tissue. Three, specialized connective tissue. One, loose connective tissue. Loosely arranged cells and fibers in a semi-fluid substance is distributed all over the body and support tissues and organs from strain and displacement. Example, areolar tissue and adipose tissue. These are the loose connective tissue. Areolar tissue. It is present beneath the skin, serves as a support framework for epithelium. It contains fibroblasts, macrophages, and mast cells. Adipose tissue. It is located mainly beneath phages and mast cells. Macrophages, mast cells, fibrocytes. Adipose tissue. It is located mainly beneath the skin. This is the difference. Cells of this tissue are specialized to store fat. The excess of nutrients converted into fats and having large storing capacity in this tissue. Two, dense connective tissue. In this tissue, collagen fibers appear abundantly. Right? Yaha pe, I'm just showing you one another. लिखो, it is found आपने लिख लिया था below the skin, अब आगे क्या लिखा है? Internal organs, write down internal organs around kidney, it is found in internal organs, ठीक है? Next में लिख लो around kidneys. Around kidneys. ठीक है, अब डायग्राम बना लेते हैं. Which one is the loose connective tissue? Adipose and areolar. Areolar and adipose. These are loose connective tissue. Make a square. Make a box again. Make a box again. Again, it is also
loose connective tissue and the fibers are arranged in it. Fibers are loosely packed. Again, these are having the thick fibers. And thin fibers. Again, these are also having the thick fibers and thin fibers. Then thick fiber arises from येलो एंड व्हाइट है Now these are fat globules. So that means what is present here? Fat globules we have to make. Fat globules are like this. अभी आपने देखा उसमें आपको नजर आ रहे थे कितना न्यूक्लियस. Now you will make like this. Maybe in this fat globules, these are one fat globules also, and in some of the fat globules we can see the two fat molecules in it. Again, fat molecules ye wo bhi fat molecules hai, ye bhi fat globules aur molecules hai. Bas aapne kya banana hai, randomly one bhi ho sakta hai fat globules and two bhi. And all these components are present in a fluid that is called matrix. So we will make the fluid. No. These are not for the immunity booster, na? These are for the fat globules, the adipocyte, the cushion, like protection. They provide the insulation. देखो जो लोग healthy होते हैं या कई लोग आपने सुना है कि उनको ठंड कम लगती है. So these provide the warm, act as an insulator because बीच में एक layer है, that is the fat globules. ठीक है? Which act as an insulator. ठीक है? So write down the labeling fat globules. Nucleus of fat globules, taki labeling hui hai, thick fibers, thin fibers, matrix, same labeling. Fibroblast. हाँ जी जी, same labeling I told na, same labeling is there. The difference is the areolar and adiposes. Adipose are having the fat globules. ठीक है, अब function लिखो. Act as an insulator. They act as an insulator. One of the fat about it. As it stores fat. It act as an insulator. It acts as an insulator. As it stores
fat. सेकेंड लिखो ये फैट स्टोर करते हैं इसलिए इंसुलेटर की तरह भी हेल्प करते हैं वॉर्म देते हैं बॉडी को नेक्स्ट लिखो इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फैट इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ in the form of fats. Third point likh lo, ek aur likh lo. Ek aur point likh lo. It forms a cushion like it forms a cushion like cushion means gadda right it forms a cushion like it forms cushion like shock absorbing structure shock absorbing structure wo control the shape of the body or provide shape to the body definitely As you are having the fats on your body, so your body contouring, like आपकी body की shape हो क्या वो उसके according हो जाएगी. Naturally, if you are thin, the body shape will be according to that. If you are fat, the body shape according to that. ठीक है.